नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, मैं वैद्य के वशिष्ठ आरोग्य क्लिनिक से। और दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, सर्दियों का मौसम जो है वो आ चुका है। बहुत से लोगों में स्नो फील्स के बढ़ने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी कमज़ोर हो जाती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से सर्दी जुकाम व खांसी के लक्षण जो है वो अत्यधिक बढ़े रहते हैं, और सर्दियों में विशेष तौर पर ऐसी समस्याएं जो है वो बनी रहती है। तो दोस्तों, इसके निवारण हेतु एक बहुत ही अच्छी रामबाण औषधि के बारे में बता रहा हूँ, जिसका सेवन बड़ा बुजुर्ग बच्चे किसी को भी हम करवा सकते हैं और बेहतर परिणाम इसका प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमें ये दालचीनी लेनी है, 20 ग्राम की मात्रा में दालचीनी लेनी है, और 20 ग्राम आपको ये काली मिर्च लेनी है, पीपली लेनी है 20 ग्राम, और सौंठ लेना है। ये सौंठ, साबुत सौंठ 20 ग्राम की मात्रा में लेना है, और सभी को एक साथ मिलाकर एक चूर्ण तैयार करना है, और आधा चम्मच की मात्रा में एक गिलास पानी में उबालना है। जब वह पानी आधा रह जाए, आधा गिलास रह जाए, तो उसका सेवन करना है। इसमें हम चाहें तो शहद या गुड़ भी मिला सकते हैं, बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से मजबूत बन जाएगी। जय श्री राम।